चार्जर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सैफ डांस भी करेंगे, तो बिल्कुल मदीन रेलवे स्टेशन के सामने बिरयानी खाने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 24 जुलाई 2022 और आप मेरे पीछे मौसम को देख सकते हैं कितना हसीन हो रहा है। आज का जो है इरादा बिल्कुल नहीं था ब्लॉग बनाने का, ना ही स्टेशन पर आने का, या संडे का देना सोचे थे घर को पूरा दिन इंजॉय करेगा। लेकिन जब मौसम देखा कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और बारिश भी जो है वो तेज़ हो रही है आज संडे के दिन, तो हमने सोचा कि क्यों ना हल्का फुल्का स्टेशन पर जाकर थोड़ी बहुत आपसे बात भी हो जाएगी और हम थोड़ा सा जेल प्लानिंग भी कर लेंगे। तो अभी हम आए हैं मली रेलवे स्टेशन पर, माहौल आप देख सकते हैं। मली रेलवे स्टेशन पर आने की वजह ये है कि ये स्टेशन जो है कराची का एक साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आप बारिश के इस मौसम में अच्छी रेल प्लानिंग कर सकते हैं और साथ ही खेत खलिहान जो है थोड़ा बहुत ये भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपसे थोड़ी देर में जो है बारिश भी तेज हो जाएगी। वैसे बारिश अभी भी अच्छी हो रही है लेकिन उम्मीद है कि और अच्छी हो जाएगी। 4:30 हो रहे हैं इस वक्त और मिलत एक्सप्रेस जो है लाला मूसा कराची के दरमियान चलने वाली वो अब से कुछ ही देर में आने वाली है, लाली स्टेशन से निकल चुकी है। इसके अलावा जो अपनी ट्रेन है वो सारी अभी रहती हैं कराची टाइम से निकलने के लिए। 45 के बाद की सारी ट्रेन जितनी हुई है, 45 के बाद 41 का जितनी है जितनी भी ट्रेन है सारी कराची टाइम रेलवे स्टेशन पर है। यानी कि ट्रेन का जो स्कड्यूल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। कराची आने वाली ट्रेन जो है वो भी बहुत लेट है, कराची से जाने वाली ट्रेन जो है वो भी बहुत लेट है, क्योंकि इस वक्त जो है पूरे मुल्क में बारिश चल रही है। इस वजह से ट्रेन की जो ट्रैफिक है इस पर कंप्लीटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी है, टाइमिंग के हवाले से भी, रेट के हवाले से भी। किसी ट्रेन का रेट कौन से ट्रेन में लग रहा है और जिस तरह भी कराकरम का रेट जो है वो नहीं पहुँच पाया था, जिस तरह ट्रेन को टाइम पर निकालने के लिए अगर एक्सप्रेस का रेट उसको दे दिया, इसी तरह डिफरेंट रेट जो है डिफरेंट ट्रेन का जा रहे हैं। यानी कि कोचेज के हवाले से भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं रेलवे इस वक्त, और लोकोमोटिव के हवाले से भी, लोकोमोटिव के जो लिंक्स थे उनके हवाले से भी ट्रेन डिस्टर्ब है। यानी कि हजारे एक्सप्रेस में GU40 लगता था उसमें GM30 जा रहा है, जरा जिस ट्रेन में मैक्सिम लगता है उसमें AG30 आ रहा है, AG30 जिसमें लगता है उसमें SGM ही जा रहा है। तो ये सारे लिंक से डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो चले मेरा ख्याल है बहुत कुछ बोल लिया मैंने, बहुत कुछ बता दिया, तो अब चले रेल प्लानिंग करते हैं और आपको दोस्तों से मिलवाते हैं जो आज हमें ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो ये माहौल देख सकते हैं इस वक्त वो बिल्कुल सामने से मेरे यानी कि लांडी रेलवे स्टेशन की तरफ से जो है काले बादल आ रहे हैं, साथ ही मिलत एक्सप्रेस भी आ रही है। माहौल काफी अच्छा हो रहा है, बेहतरीन मौसम हो रहा है, साथ ही हमारे कुछ दोस्त इस वक्त साथ हैं हमारे भाई। लड़ाई बाद में, पहले इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रेन वाली सरकार यार, आपका एक कम्प्लेन आई है मेरे चैनल पर, कमेंट आया और वो ये कि आप चैनल पर बहुत डिले वीडियोज डाल रहे हैं। यार आई एम सॉरी दोस्तों, मैं काफ़ी बिजी हूँ कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं टाइम पे ना वीडियो नहीं डाल रहा, लेकिन इंशाल्लाह आपको डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये साथ हमारे सैफुर रहमान डे लवर्स पीके के हमारे छोटे डॉन, कैसे हैं आप? आज शुगर है, इन्होंने कोई टोपी नहीं दी हमें और टाइम पर आ गए। आज फ्री था बिल्कुल, ऐसा ही है। साथ ही हमारे साथ है शेख नवेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? तो भाई मजा आ रहा है, कैसा मौसम है? आपके चैनल का नाम? पाकिस्तान रेलवे ब्लॉग्स। पाकिस्तान रेलवे ब्लॉग्स, भाई ने अभी नया चैनल शुरू किया है, चैनल विजिट करें इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, वीडियोस अच्छी जा रही हैं इनकी भी आजकल। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं सर। तो ये मली रेलवे स्टेशन के हालात कुछ ही देर में आपको ट्रेन वगैरह दिखाते हैं, और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सैफ डांस भी करेंगे तो आपको सब कुछ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त काफी तेज बारिश हो रही है मली रेलवे स्टेशन पर, और इतनी तेज बारिश में अगर कोई ट्रेन आ जाए तो मजा ही आ जाए आज। तो ये काफी अच्छी बारिश में आ रही है लाला मूसा कराची के दरमियान चलने वाली 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। टिकटॉक भी बन रही है आगे। AT213।
तो ट्रेन सिर्फ एक मिनट रुकने के बाद ही फौरन डिपार्ट कर रही है बारिश के मौसम में। तो ट्रेन को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ट्रेन तकरीबन जो है वो 7 से 8 घंटे लेट है इस वक्त। तो दोस्तों अगर मल्ली रेलवे स्टेशन की हम थोड़ी बहुत बात करें, रेलवे स्टेशन जो है ये कराची का एक सब रेलवे स्टेशन है जो कि किलोमीटर नंबर पाकिस्तान रेलवे से किलोमीटर के लिहाज से 26 किलोमीटर पर आप मौजूद है। और इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म पर मैं चल रहा हूँ ये है डाउन प्लेटफॉर्म मल्ली रेलवे स्टेशन का, जबकि ये सामने वाला आप देख रहे हैं ये अप प्लेटफॉर्म है। और अगर ट्रेन स्टॉपेजेस के अगर हवाले से अगर हम बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है सिवाय KCR के, यानी कि शाह लतीफ एक्सप्रेस सुबह जाने वाली, मीरपुर खास जाने वाली, और KCR की जो ट्रेन है औरंगी और धाबी जी के दरमियान चलने वाली, सिर्फ ये दो ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। इसके अलावा जो है अगर आप लोग लांडी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं यानी कि हैदराबाद की तरफ से आ रहे हैं तो मली रेलवे स्टेशन से अगला स्टेशन आता है मलीर हॉल्ट का। इसी तरह अगर आप लोग कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो मली रेलवे स्टेशन के बाद अगला स्टेशन आता है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पाकिस्तान रेलवेज का एक अहम रेलवे स्टेशन है जिसकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से। आपने देखा ही होगा हर वीडियो में कि कितनी हद तक आवाम जो है वो उस रेलवे स्टेशन से चढ़ती है, ट्रेन में बोर्ड होती है, तकरीबन आधी ट्रेन तो आप ये कह लें कि लांडी रेलवे स्टेशन से ही भरती है। तो दोस्तों कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 149 अप मेहरान एक्सप्रेस जो है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है, लेकिन NGM 30 ट्रेन की लीड पर होगा। और इस वक्त जो बारिश है वो कंटिन्यूसली तकरीबन 3 घंटे से जारी है कराची में, और 3 घंटे पहले भी बारिश जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रुकी थी, और पूरा दिन से बारिश हो रही है आज कराची में। बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त कराची का। काफी अच्छा साउंड कराची शेड के AGM 20 का। तो दोस्तों ये थी कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 149 अप मेहरान एक्सप्रेस AGM 38217 के साथ, जो कि आज तकरीबन 1/2 घंटे लेट डिपार्ट कर रही है कराची से। और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये जो है ये भी एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि रास लॉजिस्टिक्स के पास है, यानी कि जिस कंपनी के पास सर सईद एक्सप्रेस है उसी के पास मेहरान एक्सप्रेस भी है। तो दोस्तों असर की अजानें हो रही हैं इस वक्त मली रेलवे स्टेशन पर, और माहौल आप चेक कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों 149 अब मेहरान एक्सप्रेस के बाद जो है वो आ रही है अब कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस। जैसे 30 के विसल्स जो है वो सुनाई दे रही है मुझे इस वक्त। तो मली रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखें एक मेन चीज़ के अब के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं है, जबकि डाउन का प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर शेड मौजूद है जहाँ से पर अभी हम खड़े हुए थे और वीडियो बनाने के लिए मैं जो हूँ स्पेशली बाहर शेड से बाहर निकल आया हूँ ताकि डिफरेंट एंगल से बना ली जाए बिजनेस एक्सप्रेस की वीडियो।
5:30 हो रहे हैं इस वक्त, जबकि ट्रेन जो है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से 4 बजे डिपार्ट करती है। देखिए ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट चल रही है। काफ़ी स्मूथ डिपार्ट किया है ट्रेन ने, स्किप किया है सॉरी ट्रेन ने मली रेलवे स्टेशन को, और अब ट्रेन का जो स्टॉप है वो कराची कैंट के बाद डायरेक्ट हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। दोस्तों रेल प्लानिंग के दौरान आप आए हुए हो और भूख तो लगनी ही होती है बीच में, तो भूख के लिए हम 5 आ चुके हैं बिल्कुल मली रेलवे स्टेशन के सामने बिरयानी खाने के लिए। रायता अपनी तरफ से भाई, समोसे रोल का भी हिसाब, और इसके बाद नौमान भाई की तरफ से पार्टी भी है समोसे रोल की, वो सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं मली रेलवे स्टेशन है। और बारिश की सूरत कुछ इस तरह की है, तो चलें हम बिरयानी खाते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा स्टेशन पर जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों खाना खाने और बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं कि हाफिज़ स्वीट्स है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हम लोग दोबारा से आ चुके हैं मली रेलवे स्टेशन पर, कि जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे सामने से इस वक्त आ रही है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। कराची शर्ट के जिम थोड़ी ट्रेन के लीड पर है 8215। पूरी इकॉनमी क्लास जो है नहीं है, जो कि कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलती है वाया फैसलाबाद मुल्तान। तो ये सामने हाफिज़ स्वीट से जो हमने रिफ्रेशमेंट ली है उसमें हमारे पास ये रोल समोसे और साथ में कोल्ड ड्रिंक, तो चले अब समोसा निकालते हैं। समोसे हैं आलू के और कीमे के, यार मैं तो कीमे का खाऊंगा। कीमे के चिकन के भी हैं क्या? चिकन चिकन के भी हैं, चिकन है, कीमा और आलू की चीज़ है। तो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक है, कीमा और चिकन है, खाने के लिए समोसे हैं और मीठे में हमारे पास सैफ है हमेशा की तरह। तो दोस्तों हाफिज़ स्वीट्स का नाम तो काफ़ी सुना था, लेकिन समोसे जो हैं वो हम रेल प्लानिंग के दौरान फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो ये रहा मेरे हाथ में समोसा। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, आप भी खाएं, रिश्तेदारों को भी खिलाएं। बारिश के मौसम में समोसे हो, साथ में ट्रेन हो और कुछ दोस्त हो आपके साथ, तो आपको क्या चाहिए इस हसीन मौसम में। चलें समोसे खाते हैं, फिर आपको अगला एक्शन दिखाते हैं कौन सी ट्रेन का होगा। तो ये है आलू का समोसा, अब इसे भी खा लेते हैं, जहाँ इतना कुछ खा लिया है तो बेचारा फिर बुरा मान जाएगा। तो दोस्तों ये AG30 के विशेष आपको सुनाई दे रहे होंगे, तो उम्मीद है कि ये होगी कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो टाइम ट्रेन का टाइम जो है वो 2 बजे का है कराची से निकलने का, लेकिन आज ट्रेन जो है तकरीबन 4.5 घंटे लेट है, यानी कि 6:35 हो रहे हैं इस वक्त, और ट्रेन आ रही है सामने से। बिल्कुल फ्रेम खराब कर दिया है अंकल ने,
ऊंची थोड़ी। कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जिसे आज लाहौर शहर का AG 3606 लीड कर रहा था। और विसल्स तो आपने सुने ही कि कितने कमाल के हैं, और यहाँ आके ट्रेन का एग्जिशन साउंड वो तो बिल्कुल एंड ही था। तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये है पिशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो इस रहमान बाबा एक्सप्रेस का और इससे पहले जो गई थी पाकिस्तान एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेन्स का जो रूट है वो बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क ये है कि ये रावलपिंडी तक जाती है जबकि ये पेशावर तक जाती है जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो जो है रावलपिंडी तक है। तो GU40 ट्रेन के लीड पर है आज, और बारिश जो है वो हो रही है इस वक्त हल्की हल्की, देख सकते हैं आप। ट्रेन तकरीबन 4 घंटे लेट है, 7:45 हो रहे हैं इस वक्त। बेहतरीन, काफ़ी रश था ट्रेन में, लगे ट्रेन लेट भी थी लेकिन इसके बावजूद काफ़ी रश जा रहा है इस वक्त। और ये काफ़ी लोग आए हैं कराची इस ट्रेन के ज़रिए। कामयाब ट्रेन है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। कराची से सुबह 10 बजे डिपार्ट करती है। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में आज की जो है हमारी आखिरी ट्रेन आने वाली है 6 डाउन ग्रीन एंड एक्सप्रेस। तो उसको कैप्चर करने के बाद हम इंशाल्लाह घर के लिए निकलेंगे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं तब तक पहले ही चले जाएँ। तो इस ब्लॉग को जो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोग इसके बाद ग्रीन लाइन की वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमारे दोस्त हमारे साथी हमारे साथ सैफुर रहमान, शेख नवेद और नौमान भाई, और साथ ही आशिर भाई भी। तो अब आपको मिर्ज़ा गालिब कुछ सुनाएंगे, एक शेर प्यारा सा। तो दोस्तों हयात बाकी मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे मैं के दस्तमीर अगर चाहे खुदा लाया, जिसके जी में आए पाए रोशनी हमने तो यूं सलाम शर्मा जला डाला। तो ये था आज का व्लॉग। असल में ये कोई व्लॉग करना नहीं था, लेकिन बस शुगल मेले में हम लोग दोस्त वगैरह सब इकट्ठे हो गए थे, बारिश अच्छी थी, मौसम अच्छा था, कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं था, सिर्फ एक जस्ट रेल फैनिंग की हमने थोड़ी देर यहाँ पर आकर, खाना वगैरह साथ खाया, स्नैक्स वगैरह साथ खाए, एक अच्छी शाम गुजारी हमने इतवार के दिन मल्ही रेलवे स्टेशन पर। साथ ही बारिश भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, आपने देखा काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। इसके अलावा मौसम जो है वो अभी भी बहुत अच्छा है, अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और उम्मीद है कि बारिश रात तक चलती रहेगी, और हो सकता है कि कल तक। प्रेडिक्शन तो ये है कि कल तक चलती रहे, लेट्स सी प्रेडिक्शन कितनी है, किस हद तक कामयाब होती हैं। साथ ही आप सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पेट्रोल जो है वो दोबारा से 250 के करीब पहुँच चुका है, और साथ ही डॉलर जो है वो 230 तक पहुँच चुका है। तो महंगाई का दौर है, ख्याल रखें अपना भी दूसरों का भी। आपसे कुछ ही देर में आ रही ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, वो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है इस्लामाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। तो यह GU40 लग रहा है आज मुझे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में, यस GU40 ही है।
बारिश जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इस ट्रेन को हमने पकड़ना तो नहीं था, लेकिन फिर ये जब ये ट्रेन करी थी तो हमने सोचा ऐसे भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये आ रही है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेनों में से एक, 41 अप कराकरम एक्सप्रेस। विसल से आप लोग समझ गए होंगे GU40 लगा हुआ है और यही ट्रेन को लेकर जाता है कराची से लाहौर तक, लाहौर से कराची तक। बेहतरीन लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवे का सबसे ज्यादा पावरफुल। और ट्रेन भी स्पीड में लग रही है। बरास्ता फैसलाबाद जाती है लाहौर तक, झांसी फैसलाबाद के रास्ते। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास, ये दो रेट कॉम्पोजिशन है इस ट्रेन की। चार बिजनेस क्लास के कोच लगते हैं, बाकी पूरी ट्रेन इकोनॉमी क्लास है। ₹2300 टिकट है इस ट्रेन का कराची से लेकर लाहौर तक का इकोनॉमी क्लास का बर्थ के साथ, जबकि सीट के साथ है ₹2200। और इस ट्रेन का टिकट मुझे इसलिए याद है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अपने एक रिलेटिव के लिए मैंने टिकट करवाई थी इस ट्रेन की, इस वजह से टिकट याद था तो मैंने आपको बता दिया।